अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से खुश होंगे, मज़े में। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमिर सुबह आमिर। तो जी हाँ, अभी सुबह 9:15 का टाइम हुआ हुआ है। अभी 9:15 पर लाइट आई थी, फिर मैं सुबह फजर पढ़ के ना सो गई थी। इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, क्योंकि ज़ाहिर अब तो ठंड होना ही है। तो इतनी ठंड थी कि मैं दोबारा सो रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, नमाज़ पढ़ूंगी। फिर नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने थोड़ा सा कुरान पाक की तलावत की, उसके बाद मैं सो गई और उसके बाद मैं दोबारा उठी। फिर दोबारा से मैंने अपना मुंह वगैरह धोया, उसके बाद अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने और फिर मैं उनको उठाऊँगी। तो सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, और वीडियो अच्छी लगा करें तो लाइक भी किया करें, और कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। तो इस वक्त इतनी सर्दी है कि ये शॉल जो है ना, ये सर पर टिक जाती है और नमाज भी हो जाती है। तो ये मेरी शॉल है, ये देखिए ना। और इतनी सर्दी है कि आज तो मैंने जैकेट पहनी हुई है, हालांकि मैं और मेरे हस्बैंड को सर्दी नहीं लगती। यानी हमने अगर जब कुछ पहन लिया है ना, तो समझ लें सर्दी है। ये भी इन्होंने भी सॉक्स जो पहने हुए हैं ना कल से, जो मैंने इन्हें पहना के भेजे थे, वो अभी तक पहने हुए हैं। समझ लें अगर सर्दी पड़ रही है तो इन्हें जब लग रही है ना, तो सर्दी बहुत है, वरना ये बिल्कुल भी नहीं पहनते कुछ। और मैं भी वाकई नहीं पहनती, लेकिन रात से इतनी ज़्यादा सर्दी है कि ये देखिए मैंने भी जैकेट्स ली हुई है, और जो भी मिल जाए बस पहनना है। तो ये इस वक्त है ना, मैंने शॉल है अपनी, तो ये सर पे अच्छे से ढापी हुई है, क्योंकि आज मेरा ना टोपा मिल नहीं रहा है जो सर पे मैं ओढ़ती हूँ, तो पता नहीं कहाँ हुआ हुआ है। तो इस वक्त मैं अभी ऐसे ही बाहर आ गई और मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना ली जाए। तो इस वक्त अभी मैं जा रही हूँ किचन में और चाय बनाती हूँ, और फिर इन्हें उठाती हूँ नाश्ते के लिए, और उसके बाद फिर मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। तो ठीक है, इसी तरह हमारे साथ जुड़ेगा। और ये देखिए मेरी जैकेट, बस जो भी मिलता है ना सर्दियों में अच्छा लगता है, जैकेट मैंने पहनी हुई आज। तो सर्दी इस कदर है, इस कदर है। और ये खुला सहन है ना, तो इधर बहुत ज़्यादा होती है। फजर में इतनी ठंड हो रही थी, इतनी कि मुझे बहुत लग रही थी। एक बार तो मैंने सोचा मैं जाके सो जाऊँ, मगर मैंने कहा नहीं, नमाज़ तो पढ़नी है, नमाज़ पढ़ने का मज़ा ही सर्दी में। गर्मी में तो पढ़ लेते हैं, लेकिन सर्दी में ही मज़ा है वुज़ू करना और फिर उसके बाद जाना। अल्लाह ताला को ये सब चीज़ें बड़ी पसंद होती हैं। तो सर्दी में आप चाह कर नमाज़ पढ़ा करें ज़्यादा, और वैसे भी गर्मियों में भी, लेकिन है ना सर्दी में पढ़ने का ही मज़ा हो रहा है नमाज़। सही, चलें अभी जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए, तो जी हाँ, यहाँ स्कूल की छुट्टी होने के बाद इनकी शरारतें देखें इबाद की कितनी है। क्योंकि इबाद जो है, जब इबाद की फ़र्स्ट टाइम साइकिल आई थी ना, तो इबाद के पैर भी जो है ना नीचे नहीं जा रहे थे, तो इबाद को मैंने बिठा बिठा के चलाना सिखाई साइकिल। तो इनकी मम्मा जो इतने ऐसे काम नहीं करती हैं, माशाल्लाह मैं बच्चों से इतनी ज़्यादा अटैच हूँ, शायद बच्चे मुझसे इसीलिए प्यार करते हैं, और बुज़ुर्ग बच्चे मुझे सभी अच्छे लगते हैं। तो होना भी चाहिए, बच्चों की किसी बात को मैं इग्नोर नहीं करती। यानी इबाद को साइकिल मैंने चलाने सिखाई, कोई भी चीज़ होती है इबाद मेरे पास ही लेके आते हैं। अच्छा, फातिमा आती है, फातिमा भी, उनकी मम्मा नहीं बल्कि मैं इतनी ज़्यादा बच्चों से अटैच हो जाती हूँ कि मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ हो रहा है नाश्ता रेडी। अच्छा, आज नाश्ता जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि मुझे जाना है कहीं, कहाँ जाना है तो ये मैं आपको दिखा दूँगी। तो ये बताना मैंने ज़रूरी नहीं समझा कि आज हम क्या कर रहे हैं नाश्ते में, क्यों आप देख लें कि थोड़ा सा जो बथुए का साग रायता जो मैंने बनाया था, इन्हें बेहद पसंद आया। मैं यही कह रही हूँ कि आप जल्दी जल्दी नाश्ता कर लें, आज मुझे जाना है, कहाँ जाना है चलिए चलते हैं। इस वक्त हम जा रहे हैं कहाँ, तो ये आपको अभी पता चल जाएगा। मैं बैग के अंदर रखकर दिखा रही हूँ, मेरा अचानक से जाना हुआ, इतना मेरा कुछ पता भी नहीं था। तो इस वक्त मैं अम्मी के यहाँ से मैंने अपनी भतीजी को लिया है और ऑटो किया, क्योंकि मैं अकेली थी इस वजह से, और बस कहीं निकलना नहीं होता है। तो ये बात मुझे अपनी आने के जा रहे थे, तो मैंने कहा मैं अकेली हूँ, दिल्ली लगेगा, तो मुझे थोड़ा सा काम था और बैंक के भी जाना था। अम्मी से भी मिल ली और बहन के यहाँ भी, कल अम्मी भी आई थी लेकिन मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन मैं उसे जाना से आज निकल गई। तो आपको मैं बता दी दूँगी कि मैं किस काम से आई हूँ। तो चलिए चलते हैं, अब आपको बैठ के अंदर से दिखा। तो जी हाँ, बैक कैमरा करके जो है मैं आपको दिखा रही हूँ ना, बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ कि ये मैं आप कहाँ जा रही हूँ। तो बहन के मैं काफ़ी बार गई हूँ, जब रजब की नियाज थी तब भी गई थी, और ये वही रास्ता है जहाँ से मैं गुजर रही हूँ इस वक्त। तो ऑटो में है मैं और मेरी भतीजी, तो दोनों नहीं आई, एक ही आई है। मैंने कहा कोई तो चलो साथ में, भतीजे को ले आती, बाइक पर माशाल्लाह चलाना आती है, लेकिन मैंने कहा नहीं, वो ये रास्ता ऐसा है कि बच्चा यहाँ से गया ना अच्छा नहीं लगेगा। तो जी हाँ, फाइनली मैं पहुँच गई हूँ बहन के घर, और इस वक्त जो है मेरे हाथ में एक शॉपर और ये मेरा पर्स। तो जी मैं रख रही हूँ ये, और मैं बहन से मिल लेती हूँ अभी।
तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं और मैं आई भी 2 घंटे के लिए हूँ, इतना ज़्यादा मुझे टाइम नहीं है, आपको पता है टाइम बहुत कम है और मुकाबला बहुत सख्त है। जी हाँ, आजकल वाकई टाइम नहीं होता, कहीं जाने के लिए भी ना टाइम निकालना पड़ता है, टाइम मिलता नहीं है। तो जी हाँ, यहाँ हम बैठे थे तो ये इतना प्यारा लग रहा है, पैरोट बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसका नाम मैं ना पता नहीं क्या बताया था भांजी ने, मेरी अमन ने, कि आनी इसका नाम ये मैं भूल भी गई क्या नाम था पता नहीं, बहरहाल बहुत खूबसूरत लग रहा है। लेकिन मुझे डर लग रहा था ना कि जब हम बैठे हुए थे तो बस इस तरह से हमारे करीब आ रहा था, तो मुझे डर लग रहा था। तो बहन कहने लगी डरो नहीं, मेरे तो हाथों में, तो ये बहन इस वक्त पकड़ी हुई है वो प्यारा सा। हाँ, आज मैं आ गई हूँ बहन के घर, छोटी बहन के यानी सेकेंड नंबर पर जो मेरी बहन है, तो आप देख सकते हैं इस वक्त मैं उन्हीं के घर में हूँ। तो मेरा कोई इरादा भी नहीं था क्योंकि एक बात की फैमिली भी जा रही थी, तो मैंने कहा मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊँगी, तो मेरा मुझे कुछ काम भी था और बहन की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा आज मैं चली जाती हूँ। मैं वैसे भी 4-5 माह बाद आई हूँ, इतना ज़्यादा मैं नहीं आती बहन के यहाँ, बहुत कम ही से आती हूँ। हालांकि अगर हम ऑटो करें ना तो ऑटो में तो हम 5 मिनट में यहाँ होते हैं, 5 मिनट में वहाँ, लेकिन मैं फिर भी नहीं आती। तो बहरहाल इस वक्त मैं उन्हीं के घर में हूँ, जो भी होगा आज आपके साथ शेयर करेंगे। और आज मैं इनके घर में आई हूँ और मैं किस काम से आई ये भी मैं आपको बता दूँगी, क्योंकि मैं मेरी बहनें गई थी बहुत मतलब परस्त, तो जी हाँ मैं किसी काम से ही आई थी, तो मैं काम आपको बताऊँगी किस काम से आई थी। तो इसी तरह हमारी वीडियो में बने रहिएगा और प्लीज़ प्लीज़ आपकी भरपूर सपोर्ट है, थैंक यू सो मच। आप इतने अच्छे अच्छे हमारे कॉमेंट्स करते हैं, हौसला अफजाई होती है, तो मैं तहे दिल से आपको शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, यहाँ किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि उनकी खुद की भी एक ही बेटी है और माशाल्लाह नीचे इनकी जिठानी रहती है, फिर सेकंड फ्लोर पर भी इनकी जिठानी और फिर ऊपर जो है इनका इस यहाँ ये रहती हैं ऊपर। तो इस वक्त मैं अपनी भतीजी के साथ आई हूँ और सब अपने रूम में ही बैठे हुए हैं, तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। तो बहरहाल अभी यहाँ मैं 2 घंटे के लिए आई हूँ और उसके बाद मैं अपने घर चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे घर जाके भी यही देखना है कि क्या करना है क्या नहीं, आपको पता टाइम बिल्कुल नहीं होता। तो चलिए चलते हैं, जो भी होगा आपके साथ शेयर। हम कराची गए थे ना, तो वहाँ पर तो अच्छा तारिक रोड पे गए, तारिक रोड पे हमें पता चला था सेल लगी। हाँ हाँ, कोई सेल नहीं लगी। अच्छा, सारी शॉपिंग कराची से ही की आपने? हाँ, अच्छा। शरारे 1.5-1.5 लाख के बताओ, मैक्सिमम 50,000-60,000। अच्छा, जब मैंने अपनी बेटी की शादी की थी ना 4 साल बाद, अब जब हम देख रहे हैं तो महंगाई जो है ज्यादा हो गई है, डबल हो गई, ज्यादा हो गई है। क्योंकि हम बच्चों के लेने जाते हैं ना तो समझ ही नहीं आ रहा, रेडिंग की शॉपिंग करने जो अब लोग जा रहे हैं ना यहाँ से, हाँ हाँ। वो समझो ऐसे आते हैं कि कुछ लेते हैं कुछ नहीं लेते हाँ। कराची से, लेकिन ये है कि कराची के कुछ बाजार गोल्डन मार्केट है, ज्वेलरी मार्केट है, वहाँ पर थोड़ा ये है कि, लेकिन 1 पीस में लो ना तो 1 पीस में आपको दे देंगे। 1 पीस में आपको क्या देंगे, वही 6,000 का सेट, 7,000 का, 7,000 का ब्राइडल सेट हमने लिया एक 8,000 का, उसमें तो होगा भी प्यारा, हसीन लग रहा है, उसमें सारे स्टोन लगे हुए और जरकून का काम हुआ है, इतना हसीन, वो काशी वाला जो स्टाइल है ना बिल्कुल, हाँ हाँ। बिल्कुल वैसा लिया है, अच्छा। बहुत खूबसूरत लग रहा है और मैक्सी वाली में की बहुत प्यारी लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला पहनना नसीब, बस अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे, हाँ। चीजों का क्या होता है, नसीब अल्लाह अच्छे करे सबकी, बच्चों के जबरदस्त लग रहा है हाँ। तो हमने वहाँ से शॉपिंग की तो अच्छा लग रहा था बहुत, मैंने लिए 2-3 सूट अपने माइयों का लिया, गोटे के काम का, इतना खूबसूरत लग रहा है, 6,000 रुपए का हाँ। तो मैंने कहा भाई सही मिला 6 का, तो ये राजू की उसमें शादी में इंशाल्लाह, देख छोटे भाई की शादी होगी ना, वहीं से शॉपिंग करेंगे इंशाल्लाह। मैं तो कह रही हूँ मम्मी को लेके वहीं चलते हैं कराची, मैं भी ले आऊंगी अपने एक दो, वहाँ से हम ना उसकी बड़ी की शॉपिंग भी कर लेंगे और ना हम अपने भी खरीदारी कर लेंगे इंशाल्लाह। तो जी हाँ, अपनी शॉपिंग के बारे में बता रही थी, माशाल्लाह इनकी जिठानी के बेटे की शादी है जिसकी शॉपिंग कराची से की है, तो इस वक्त मैं किचन में ही खड़ी हूँ और चाय बन रही है, और चाय मैंने कहा चाय तो पीने है, यहाँ सर्दी है, और मुझे इनके यहाँ की चाय लगती भी बहुत मज़ेदार है, जैसी मैं बनाती हूँ ना इस तरह की चाय बनाती हूँ, तो मैंने कहा हाँ चाय तो चलेगी, चाय बनाएंगे, तो यहाँ चाय बन रही है और मज़ेदार सी, क्योंकि आए हुए अभी सिर्फ हमें 10 से 15 मिनट ही हुए हैं बस, मैंने कहा चाय तो बनाएं, आप अच्छी लगती है सर्दी में, तो यहाँ हम पी रहे हैं चाय, ये देखिए लग रही है ना मज़ेदार। अच्छा, मैं खुद कहती हूँ कि मुझे ऐसी चाय चाहिए, मुझे अच्छी लगती है, हालांकि मैं अपने यहाँ ऑलपर्स की बनाती हूँ लेकिन वो भी अच्छी लगती है, लेकिन इनके यहाँ इस तरह से बनती है ना, कहवा अलग से बना लो ना, और उसके बाद जो इस तरह से ऊपर से पका। मैं किस काम से आई थी, जो काम बहुत ज़रूरी था वो मैं आपको दिखाती हूँ, वो हो रहा है मेरा अभी काम, तो चलिए मैं दिखाती हूँ बैक कैमरा करके आप। जी हाँ, बैक कैमरे से मैंने आपको दिखा रही हूँ कि मैं आई थी इस, मैंने इस सूट का बहुत ज़्यादा पीछा ले लिया आप कहेंगे इन्होंने इस सूट का पीछा ले लिया। जी हाँ, मैं कपड़े बहुत कम बनाती हूँ,
क्योंकि जब बनाती हूँ ना तो एक सूट पे बहुत अच्छा सा बना लेती हूँ तो टाइम लगता है। तो मैं काफ़ी दिन से कह रही थी कि मेरी मशीन भी सही नहीं है और मैं बहन के आई थी इस काम से। तो यहाँ ये वो कॉलर है जहाँ मैं हमेशा से तैयार होती हूँ, सिर्फ भाई की शादी में नहीं हुई, जो सेकंड नंबर पे भाई हैं, क्योंकि वहाँ बहन को भी तैयार होना था, इस वजह से मैंने कहा टाइम बहुत कम होता है तो आप खुद होगी या मुझे करोगी। तो बहरहाल वो भी किसी अलग पार्लर से हुई थी तैयार और खुद भी होती हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी। और काफ़ी ऐसे ब्लॉग हैं जिनमें मैं तैयार हुई भांजे की शादी में, माशाल्लाह सब ने बहुत तारीफ़ की थी, बहुत अच्छा तैयार करती हैं। और आप अगर जो हैदराबाद में रहते हैं ना तो मैं उन्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी आपको, तो आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सॉफ्ट और ज़बरदस्त माशाल्लाह, मैं बहुत मुतमईन हूँ इनके मेकअप से। कभी भी मैं इनके ऊपर छोड़ देती हूँ, मैं कहती हूँ जो बेहतर लगता है ना आप वो करो, क्योंकि माशाल्लाह बहन बहुत अच्छा तैयार करती हैं। और सैलून का नाम भी इनकी बेटी से ही है माशाल्लाह, एमन है इनके सैलून का नाम। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ हर चीज़ बेहतरीन है और बहुत अच्छे से। तो इस वक्त मैं बड़े गौर से देख रही हूँ कि किस तरह लगा रही हूँ, कोई गलती कर रही हूँ, हालांकि मैं भी माशाल्लाह कपड़े अच्छे सी लेती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, दोपहर का खाने का टाइम हो चुका है क्योंकि मैं 2 घंटे के लिए आई थी और दुपट्टा मेरा फाइनल हो चुका है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, जैसा मैं चाह रही थी वैसे ही लग रहा है। तो दुपट्टे का तो सिर्फ बहाना था बहन से मिलने का, तो बस मैं उनकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी तो मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए तो मैं एक काम में दो काम हो जाएंगे, मैं मिल भी लूँगा, दुपट्टा भी, दुपट्टा बहुत प्यारा लग रहा है मेरा, फाइनल हो गया है। तो अभी दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है, तो दोपहर में मैंने उन्हें बताया नहीं था कि मैं आ रही हूँ, तो बस आलू के पराठे उनके बन रहे थे, मैंने कहा जो भी है बस खा लेंगे क्योंकि मुझे जाना है ज़रूरी, क्योंकि भतीजी साथ आई है तो अम्मी कहने लगी जल्दी आना क्योंकि अम्मी को भी कहीं जाना था। तो अभी जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे और खाना खाते हुए हम आपको जरूर लेंगे। और बहन क्या क्या बना रही हूँ मैं दिखाऊंगी, इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो छोलों की चाट बन रही है यहाँ पर थोड़ी सी, और मैंने कहा छोलों की चाट बना लो अच्छी लगती है, पेट तो उससे ही भर जाएगा क्योंकि नाश्ता मैंने भी लेट किया था क्योंकि आने का था ही नहीं बिल्कुल भी, और मैंने बहन को कॉल पर भी नहीं बताया था जो बेचारी कुछ बनाती। तो बहनों के तो ऐसे ही होता है, जो होता है वो खा लेते हैं, कोई मसला नहीं, हम मेहमान नहीं है एक दूसरे की, बहनें तो ऐसी होते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। तो जी हाँ, यहाँ लग गया है दोपहर का खाना, खाने में छोलों की मज़ेदार सी चाट थी और जो बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी बनी हुई थी, और यहाँ थे आलू के पराठे जो हमने खाए बड़े मज़े से, और मैंने भी कल बनाए थे लेकिन मैंने कहा नहीं जो भी है ना वो खा लेंगे, परेशान नहीं हो आप। हालांकि वो मुझे रोक रही थी कि शाम में रुक जाएं कुछ बना लेंगे, मैंने कहा नहीं मुझे अभी ही जाना है क्योंकि मुझे घर पे मैं चाहे कितना भी रह लूँ मुझे आना घर पे जल्दी होता है, तो मेरा ऐसा इरादा ही नहीं था लेकिन मैं गई थी अपने काम से। तो यहाँ हम खा रहे हैं खाना। आज की ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक जा जाती हूँ, अल्लाह।